नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप? आपका पेपर कैसा लगा है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आर्मी पेपर 2019-24 जो कि 24 नवंबर 2019 को आर्मी का पेपर लगा है। ये पेपर है दानापुर जेडारो का है, बिहार से ये हमारे स्टूडेंट एक है, उन्होंने ये पेपर हमें प्रोवाइड किया है, जिनका नाम है आशीष पांडे। तो आशीष पांडे को धन्यवाद, उन्होंने मुझे पेपर भेजा है और मैंने ये पेपर टाइप करके आपको ये प्रश्न करवाने वाला हूँ। इस पेपर के अंदर कुछ तो बिहार भर्ती के और कुछ 4-5 क्वेश्चन मुझे भरतपुर भर्ती का भी जो पेपर लगा है, राजस्थान में भरतपुर भर्ती है उसके भी 4-5 क्वेश्चन मिले, तो वो अंत में मैं करवाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं तो आशीष पांडे के लिए लाइक कर देना, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे ये पेपर प्रोवाइड किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह और भी स्टूडेंट से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, यदि भरतपुर भर्ती का कोई स्टूडेंट है तो हमें पेपर प्रोवाइड करना चाहता है तो वो हमें व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे, इन व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हो, आपका बहुत बड़ा आभार होगा। और आगे आने वाले बच्चे जो भी आर्मी के पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी बढ़िया चीज़ होगा, पीछे के पेपर आप निकालते रहिए, इनमें से क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते दिखाई दे रहे होंगे। चलो बिना देरी के आज को वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबको पता चल सके कि पेपर कैसा आया था। ये बताया दिया दानापुर जेडारो बिहार का पेपर है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके था, क्या था? इराक की राजधानी क्या है? तो आप सबको पता है इराक की राजधानी क्या है, इराक की राजधानी है बगदाद। आप क्या करके आए हो वो भी कमेंट करके बता सकते हो, इराक की राजधानी बगदाद है। और जो बिहार भर्ती में ये पेपर दिया है उनको बताना है नीचे कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किया और ग्राउंड के आपके कितने नंबर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, गुलाबी शहर कौन सा है? गुलाबी शहर तो आप सबको पता ही होगा, हमारे राजस्थान वाले को तो पता ही है, गुलाबी शहर के नाम से हमारा जयपुर है राजस्थान की राजधानी, उसको गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, क्या है? असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आपको सबको बताया असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था आप सबको पता ही होगा, किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ये दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी खराब नहीं हो और जल्दी से पेपर भी देख लिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है, पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है? तो आपको पता है बौद्ध धर्म के द्वारा जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है, ये आपको पता ही होगा, कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत की खोज किसने की थी? देखो क्वेश्चन अब स्टूडेंट ने भेजा है तो 2 क्वेश्चन भेजे उन्होंने क्वेश्चन, हालांकि आपके एक आया था, भारत की खोज किसने की थी? तो इसका जवाब आप सोचिए, भारत की खोज किसने की थी? वो की थी वास्को डी गामा। भारत की खोज तो इसने की थी और भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ इंक्लूड किया है क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपके आया था, ये मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो पेपर दे के आया नहीं था, स्टूडेंट ने दोनों क्वेश्चन भेजे हैं तो मैंने दोनों इसमें इंक्लूड कर दिए। चलो क्वेश्चन का जवाब अगले क्वेश्चन है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपके क्वेश्चन कौन सा आया था वो आप देख सकते हो और उसका जवाब भी आप मिला सकते हो यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सबको पता है ये कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन अब इनमें से दोनों में शायद तक एक क्वेश्चन आया है, मैंने दोनों इंक्लूड किया क्योंकि हो सकता है आपके कौन सा आया वो आप देख लो। तो आपको बात करें भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति भी थे साथ में, आपको ये भी ध्यान रखना है। द्वितीय राष्ट्रपति की बात करें तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नायक के क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है। द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है, नाल सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध आपको पता ही है और नाल सरोवर बांध को भी आपको पता होगा नर्मदा नदी पर है, कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको बताना, आगा खां कप है
वो किससे संबंधित है? हॉकी से है। ये आया था आपके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध आपको पता ही है किससे है, फसल उत्पादन से है। और एक बात और ध्यान रखना, एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट भी हरित क्रांति से संबंधित है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी गर्दन वाला, अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा है? तो आपको पता ही है सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर है, जिराफ है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता का मात्र क्या? अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तीव्रता का मात्र क्या है? आप सबको पता है डेसीबल है। क्या है? डेसीबल है ध्वनि तीव्रता का मात्र। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है, ध्वनि की चाल सबसे, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, आपको पता है, निर्वात में होती है, और सबसे अधिक होती है इस्पात में। ये ध्यान रखना है, सबसे कम की बात करिए तो निर्वात में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस में होता है? तो क्लोरोफिल आपको पता है हरित लवक का एक, या क्लोरोफिल के ये पत्तियों में पाया जाता है, एक होता है कलोम होता है, वो आपको पता है मछली के श्वसन क्रिया मछली में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन कौन सा आया था वो आप देख लेना। यदि कलोम था तब तो मछली से संबंधित है, और क्लोरोफिल था तब पत्तियों से संबंधित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम आप सबको पता ही है, वी बराबर आई आर होता है। क्या होता है? वी बराबर आई आर होता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ध्यान देना, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दे रखे थी मतलब महिला कौन थी, तो आपको सबको पता है मीरा कुमारी थी। इसे नहीं कहा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, कौन थी मतलब महिला कौन थी, वो थी मीरा कुमारी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? तो रक्त का थक्का है वो जमता है विटामिन के कारण। विटामिन के कारण क्या जमता है? रक्त का थक्का जमता है। अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है आपके, बल्लभ का तंतु किसका बना होता है? तो आप सबको पता है टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आरबी पेपर में, तो जो भी आगे देने वाले भाई है आरबी का पेपर, वो इस वीडियो को पूरा देखना, आपके भी हो सकता है फायदा हो जाए। अगला था, बल्लभ का आविष्कार किसने किया था? तो बल्लभ का आविष्कार की बात करें तो बल्लभ का आविष्कार किया था एडिसन ने। किसने किया था? एडिसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक आपको पता है क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का है, क्या दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे 16 और 8 है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी 16 गुणा 5, यानी अब काट के कर दो, 8 बार 8 = 40, 40 m² होगा। कितना होगा? 40 होगा। और हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हो, क्योंकि स्टूडेंट ने पूरा नहीं भेजा, मुझे गुणा करके बता रखा है, तो हो सकता है त्रिभुज के बारे में भी वो आधार और लंब देखे तो भी यही उत्तर आया, ठीक ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलो अगला है, 512 का घनमूल बताओ। 512 का घनमूल आपको पता है कितना है? 8 होता है, ऐसे दिया हुआ था क्वेश्चन, 512 का घनमूल ऐसे दिया हुआ था, तो घनमूल आपको पता कितना आता है? 8 आता है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा है, क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं है? ये भी है 7 से विभाजित, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है 7 से विभाजित, तो ये आप कर सकते हो भाजकता के नियम से, या सीधा भी कर सकते हो नॉर्मल संख्या दिए। दोस्तों ये पेपर आपको कैसा लगा? मेरे पास 26 क्वेश्चन ही पहुंचे हैं, और क्वेश्चन यदि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या आपके सामने ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो मैसेज के माध्यम से, और मुझे और बाकी के क्वेश्चन भले भरतपुर भर्ती हो, कोई भी आर्मी के पेपर लगते हो, वो पेपर मुझे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आपका नाम वीडियो में लिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है। तो ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो तो जल्दी इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।